हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पूजा स्टाइल कॉर्नर। आज के वीडियो में मैं अपने घर के एंट्री वे का मेकओवर करने वाली हूँ। तो आप सोच रहे होंगे अपार्टमेंट का एंट्री वे होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। छोटी सिटीज़ में फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर इस टाइप के मकान होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये छोटा सा एक एंट्री वे है। ये एक वॉल है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा खाली खाली सी लगती है, तो मुझे लगता है इसका मेकओवर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी इस वॉल का मेकओवर करने का, इस एंट्री वे का मेकओवर करने का, बट मैं ज्यादा अपना पैसा खर्च करना नहीं चाहती थी। तो आज के वीडियो में मैं इस वॉल का डेकोरेशन करूंगी, मेकओवर करूंगी, बट बहुत ही कम बजट में। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इस टाइप के मेकओवर वीडियोस देखने के लिए, तो सब्सक्राइब कर दे, इसका कोई पैसा नहीं है भाई, सब्सक्राइब कीजिए। आप वीडियोज देखते हैं, बहुत सारे लोग सब्सक्राइब किए बिना चले जाते हैं। एक सब्सक्राइब से मुझे काफी सारा मोटिवेशन मिलता है। यदि अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, पूजा स्टाइल कॉर्नर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। मैं वहां पर अपडेट करती रहती हूं कि आने वाले वीडियोस कौन से होने वाले हैं। सो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। मेकओवर के पहले कुछ इस तरह से मेरा एंट्री वे दिखाई देता है और इस वॉल को हमें आज डेकोरेट करना है। वॉल की सिचुएशन कुछ ठीक नहीं है, हम इसे पेंट तो नहीं करेंगे पर डेकोरेट करके इसे सुंदर बना देंगे। सबसे पहले मैं यहाँ एक झरोका बनाऊंगी। उसके लिए हम स्केल से पहले मेजरमेंट करके पेंसिल से ड्रॉ कर लेंगे। अब हम झरोके को पेंट करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ आप अपनी कलर चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी कलर ले सकते हैं। मैं यहाँ ब्राइट कलर्स यूज़ कर रही हूँ ताकि ये एरिया और भी ज़्यादा उभर कर आए। ये हमारी वॉल का फोकल पॉइंट रहेगा। ऑरेंज, येलो एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब बारी आती है DIY की। यहाँ मैंने कुछ बड़ी और छोटी बेम्बू बास्केट्स ली है। ये मार्केट में आपको 30-40 रुपीज़ में ईजिली मिल जाएगी। इन पर मैं वही कलर रिपीट करूँगी ताकि ये एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरीके से कॉम्प्लीमेंट करें। यहाँ मैं बास्केट की बाउंड्रीज ही पेंट करूँगी। आप चाहे तो यहाँ अलग अलग पैटर्न भी बना सकते हैं, लेकिन मैं तो इन्हें ऐसे ही प्लेन यूज़ करने वाली हूँ, मुझे इनका बेम्बू टेक्सचर काफ़ी अच्छा लगा। अब बारी आती है वॉल को डेकोरेट करने की। ये बेम्बू बास्केट इतनी हल्की है कि मैंने इन्हें डबल साइडेड टेप से ही हैंग कर दिया है। इतना काम होने के बाद ही ये वॉल काफ़ी सुंदर और वाइब्रेंट लग रही है। इनका कलर कॉम्बिनेशन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आप बताइए आपको कैसा लगा। इस झरोके के बीच में ऑलरेडी मैंने ये नेल लगा दी थी। यहाँ पर मैं एक एनिमल मास्क हैंग करूँगी। ये आई थिंक टेराकोटा का है। इसमें आप ओरिजिनल प्लांट भी लगा सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स का यूज़ कर रही हूँ। इसमें मेरे पास सिर्फ येलो और ऑरेंज ही है। यदि ग्रीन स्टिक भी होती तो ये काफ़ी अच्छा लगता। यहाँ मैं आर्टिफिशियल ग्रास मैट का यूज़ कर रही हूँ। ये एकदम आपको ओरिजिनल ग्रास की फीलिंग देती है। इसे मेंटेन करना भी काफ़ी इजी है, आराम से आप इसे वॉश कर सकते हैं। इस वॉल के पेंट की हालत बहुत ख़राब है और मैं यहाँ पेंट भी नहीं कर रही, तो मैं यहाँ आर्टिफिशियल डेकोर फेंसिंग का यूज़ करूँगी। ये दिखने में भी काफ़ी सुंदर लगती है। आप अपने अकॉर्डिंग इसका साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें आर्टिफिशियल मनी प्लांट क्रीपर्स भी लगे हुए हैं, काफ़ी अच्छी लग रही है। ये मैंने लोकल मार्केट से ही ली है, आप चाहे तो अमेज़ोन पर भी इसे सर्च कर सकते हैं।
वैसे तो ये मेकओवर कंप्लीट हो गया है, पर यदि आप इसे बालकनी में क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ कुछ कुशंस ऐड करें और कुछ डेकोर एलिमेंट ऐड करें, आप इसे और सुंदर बना सकते हैं। ये मैं आपको दिखाने के लिए क्रिएट कर रही हूँ, अदरवाइज मैं इन्हें यहाँ से बाद में हटा लूँगी क्योंकि यहीं से हमारा आना जाना होता है। आफ्टर मेकओवर कुछ इस तरीके से ये एंट्री वे दिखाई देता है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, यदि पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। आज का ये छोटा सा एंट्री वे मेकओवर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड मेरा थोड़ा सा भी आपको एफर्ट नज़र आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरीके के होम डेकोर DIYs एंड मेकओवर वीडियोस देखने के लिए। साथ में ये वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपने घर को इसी तरीके से डेकोरेट करते रहें। सो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।